बोलो शिमशा माता की जय। कहाँ से आए हैं आप? राजपुर पालमपुर से। अच्छा, आपको क्या स्वप्न रूप में माता यहाँ सोए थे आपके पीछे? बच्चे लिए थे माता ने। तो क्या परहेज किया आज तक? आज तक हमने मतलब चिकन मांस कुछ नहीं खाया। चलो बड़े बड़े, ये क्या पैदा हुआ? दो लड़कियाँ पैदा हुई हैं। चलो बहुत बहुत मुबारकें हों इन बच्चों की, आपके पूरे समस्त परिवार को और आप माँ बाप को भी, माँ शिमशा की तरफ से। ये माँ शिमशा जो है ना, यहाँ पिंडी रूप में विराजमान है, ये आपको पता है, आप पहले भी आए थे। और साथ साथ में यहाँ माता की पिंडी में 3 फट लगे हुए हैं, यानी कि जैसे वैष्णो माता की पिंडी है, तो माँ शिमशा या माँ शारदा के रूप में एक पिंडी, दूसरी आ जाती है माँ काली के रूप में, तीसरी आ जाती है माँ सरस्वती के रूप में। तो ये 3 पिंडियों का निवास हो गया, माँ शारदा कहा गया। तो ये दोनों जो दिखाई दे रही हैं, ये माँ शिमशा और माँ सरस्वती आपके घर विराजमान हो गई माता की कृपा से। ठीक है, बोलो शिमशा माता की जय। माता रानी को अरदास करेंगी कि हे संतानदात्री माँ शिमशा, मैया रानी आपके आशीर्वाद से हमारा कुल आगे बढ़ा, इसके लिए हम, मैं पूरे परिवार सहित अपने आज आपके दरबार में माता रानी हम आए हैं, हमारा प्रसाद भेंट कबूल करना और मेरे बच्चों के ऊपर इसी तरह मेरे पूरे परिवार के ऊपर जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो शिमशा माता की जय। ये दे दो मुझे अपना जो प्रसाद वगैरह है ना, जो भी है प्रसाद दे दो। ये जो अभी लाइव चला हुआ है यहाँ, एक और व्यवस्था की गई है मंदिर के द्वारा, यानी 1 बजे से लेकर 2 बजे तक मंदिर बंद रहेगा, और साथ साथ में फोटो और वीडियो बनाना मना है। मंदिर के फोन से वीडियो भी बन रही है और सभी भक्तों तक पहुंच रही है। आप भी जो है माँ शिमशा के चैनल को फॉलो करना, और साथ साथ में मंदिर कमेटी की तरफ से एक नंबर जारी कर दिया गया है, जहाँ से लोगों को सही और सटीक जानकारी प्राप्त। इसको नीचे रख दो। बोलो शारदा माता की जय। ये टोकरी दीजिए ना। बस बंद कर दिया।